आप देख रहे हैं S7 न्यूज। S7 न्यूज के माध्यम से हम दिखाते हैं शहर में होने वाली हर घटनाक्रम को, तो आइए आपको लेके चलते हैं। सबसे पहले आपको दिखाने चल रहे हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय के 100वें जन्मदिन के अवसर पर प्रधानमंत्री का लाइव प्रोग्राम, जिसे दिखाने के लिए समाज सेवक राहुल पाटिल ने रतन टॉकीज को बुक किया, जहां पर हजारों की तादाद में लोगों ने आकर के रतन टॉकीज पर उनके लाइव प्रोग्राम को सुना। इस कार्यक्रम के उद्घाटन करता रहे भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष संतोष मंजैया सेट्टी। इनके अलावा विधायक महेश चौगले ने भी वहां पर उपस्थित दर्ज कराई। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम मंडल युवा अध्यक्ष विजय जाधव, हिमांशु विश्वकर्मा के साथ अनेकों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहां पर उपस्थित रहे। हम आपको लेकर चलते हैं। सबसे पहले संतोष सेट्टी ने अपने वक्तव्य दिए, बाद में राहुल पाटिल जी का हम आपको वक्तव्य दिखाएंगे कि उन्होंने हमारे टीम से बातचीत में क्या कहा। यहाँ पे मोदी जी का लाइव भाषण दिखाया जाएगा, और खास करके आज जो माहौल चल रहा है इसके बीच में क्या कहना चाहेंगे? खास करके हमारे पार्टी ने आज मोदी जी का जो भाषण है कि पूरे भारत में जहाँ भी हम लोग की पार्टी संगठन है वहाँ पे सब लोग आज ये तीन से जो चार सबसे उनका जो स्पीच भाषण है ये तमाम भारतीयों के लिए अच्छा संदेश देना चाहते हैं। इसलिए हम पार्टियों के माध्यम से हर जगह यहाँ पे हम यूनिट में 10 जगह यहाँ पे LDR थिएटर में यहाँ पे लगाया हमारे हरीश जी राहुल जी जो मिल के, तो एक अच्छा संदेश जो डायरेक्ट है जो टीवी में उनको टाइम नहीं देखने के लिए, तो हर चौराहे में नाके में आज सब जगह अच्छा एक संदेश क्या बोल रहे हैं, जो माहौल चला है आतंकवादी का और बाकी भी जो भारत जो अभी बढ़ रही आगे उसमें जो एक दाग लाएंगे काम कुछ अपने भारत में देखे भी कुछ गंदे विचार को लोग करें उसको दूर करने का अच्छा संदेश हम हर आदमी को जो मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री देश के वो कोई पार्टी के नहीं प्रधानमंत्री उनका जो जो भी अच्छा बोले कि हर आदमी उसको सुनना चाहिए। आयोजक राहुल पाटिल जी को क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ के लोग जो कि स्लम बस्ती में रहते हैं वो कभी इन मतलब समाचार या ऐसे न्यूज़ देखना पसंद नहीं करते, पर थिएटर के बहाने उन्हें मोदी जी को सुनने का एक मौका प्रदान कर रहे हैं? नहीं, आधुनिक दुनिया में अब हम बहुत पीछे थे, मतलब हर चीज़ में पीछे थे। जैसे आधुनिक दुनिया में हर जैसे नेट के माध्यम से खेल कूद सब आधुनिक हो गया, तो भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। अब रखने का एक नया अनोखा तरीका जो कि टॉकीज का माध्यम पकड़ा गया, क्या करेंगे? हमारी पार्टी के जिन्होंने पार्टी उभारी है खड़ी की है, आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय उनके जन्म शताब्दी का दिन है, उनको आज 100 साल पूरे हुए हैं। वही अवसर पे जो केरल में उन्होंने ये संकल्पना चल शुरू की थी केरल से, आज उसी अवसर पे आज नरेंद्र भाई मोदी जी केरल में लोगों को संबोधित कर रहे हैं। उधर से ही आज हमारे पार्टी के इसमें हमारे पार्टी के करने वालों को जो 100 दिन पार्टी उभारने वाले को 100 दिन उनका जन्म जयंती को 100 दिन हुए हैं। तो क्या उद्देश्य था यहाँ पे आज जो केरल में हुआ मोदी जी का माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो भाषण हो रहा है उसके लिए आज हमारे बीजेपी पश्चिम विभाग के सब कार्यकारिणी अध्यक्ष हरीश अरिया जी और चेतन भाई और सब लोग इधर उपस्थित लोगों समवेत आज रतन टॉकीज पूरा सिनेमा हॉल बुक किया गया, और इधर बीजेपी के अध्यक्ष संतोष शेट्टी साहब और आमदार जी महेश चौगुले साहब सब लोगों ने आके आप अपने उपस्थिति दिया है, और मोदी जी ने जो कहा है देश के लिए और देश के विकास के लिए वो सब लोगों के सामान्य आदमी के मन में उतरने के लिए जो भी भाषण दिया है वो लोगों तक पहुँचना चाहिए, गरीब से गरीब आदमी के लिए वो भाषण पहुँचने के लिए हम लोगों ने पूरा सिनेमा हॉल ही बुक किया है, और भिवंडी में सबसे बड़ा प्रोग्राम अपना हुआ है, और इसकी पूरी शुभकामनाएं सब अपने लड़कों को देना चाहता हूँ।